अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ जन फूड टाइम। हमें आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अस्मा। तो आज की हमारी मज़ेदार सी और यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है शाही मसाला भुने अंडे। जी हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इसको किसी भी रोटी या चावल के साथ बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो में बताऊंगी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 अंडे। इसमें से मैंने 2 पार्ट्स इसके कर लिया है, यानी कि आधे आधे अंडे मैंने उबले हुए बॉईल किए हुए अंडों को अच्छे से कट कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से धोकर चॉप कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी वाली प्याज लिया है, इसको भी अच्छे से धोकर चॉप कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोथमीर 1/2 कप, इसको भी मैंने अच्छे से धोकर चॉप कर रख लिया है। तो यहाँ पर लिया है 1/2 कप पुदीना, इसको भी अच्छे से धोकर चॉप कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 हरी मिर्ची, इसको मीडियम साइज़ में कट कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है पाउडर मसाले, तो यहाँ पर हमने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची, ये है 1 टेबल स्पून फुल। तो यहाँ पर मैंने लिया है रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, रोस्टेड धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये है नमक 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है 1 टीस्पून। तो हमने सारे मसालों को अच्छे से रख लिया है। तो आइए चलिए इस ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी हम झटपट कैसे बनाते हैं और आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है, एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया हल्का सा 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो इस ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने के लिए रख देंगे। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे अंडे, इस अंडों को हल्का सा इसमें फ्राई करना है। देखिए इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे क्या होता है उसका फ्लेवर और कलर बहुत ही अच्छा अच्छा आता है, बढ़िया वाला। हम इसको अंडों को अच्छे से इसके अंदर पलट कर फ्राई कर लेंगे इस पैन के अंदर। देखिए फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो हमारे अंडे हल्का सा फ्राई हो चुके हैं कश्मीरी मिर्ची के साथ। तो हम इस अंडों को हल्का सा निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो हल्का सा हमने अंडों को अच्छे से फ्राई कर निकाल लिया है। तो चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला बड़ा वाला पैन ले लिया है, इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये गर्म होने के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो पैन है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो ये ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे 1 मिनट के लिए। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे प्याज, इस प्याज को हम हल्का सा इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी हाँ, देखो मुझे मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है, क्योंकि वो जो अंडों का जो ऑयल है बचा हुआ, वो ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसके साथ में ही डाल देंगे हरी मिर्च, इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। आप इसको रोटी या चपाती, पराठा या प्लेन राइस के साथ बना सकते हैं, या कहीं जर्नी पर भी जा रहे हैं तो आप टिफिन में लंच में बनाकर इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये आराम से सुबह से शाम तक रह जाएगा, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो हमारी प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। देखिए तो हल्की सी ये फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारे पाउडर मसाले जो हमने लिए, वो पाउडर मसालों को बिल्कुल ऐड कर देना है अच्छे से, इसको भी फ्राई करना है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का भी पेस्ट मैं डालती हूँ 1 टीस्पून जितना। देखिए तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जो बचा हुआ तेल था फ्राई किया हुआ, वो तेल को हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे। देखिए देखिए, तो ये ऑयल मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है। देखिए तो सारे मसालों को हल्का सा गैस की फ्लेम को स्लो रखकर हमको फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है। साथ में ही हम डाल देंगे बारीक कटे हुए हमारे टमाटर। देखिए टमाटर को अच्छे से हम भून लेंगे, इसके साथ ही फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छे से मिला दिया है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो 4 से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो हमने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं बारीक कटी हुई थोड़ी सी कोथमीर और ये है थोड़ा सा पुदीना। तो इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए तो इतना अच्छे से सूखा करना है और इसको अच्छे से प्याज और टमाटर को अच्छे से भूनना है। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी मसाले के लिए रख सकते हैं।
तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। हाँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कोथमीर पुदीने को अच्छे से हमारा मिक्स कर दिया है, तो हमारा मसाला जो है अच्छे से भून कर रेडी हो चुका है। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर डालेंगे हमारे बॉइल किए हुए और फ्राई किए हुए अंडे, तो अंडों को भी अच्छे से डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, तो ये हमारे मसाला अंडे भुने बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार थी हमारी रेसिपी, बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगेगी। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।